आज तक के जीवन में स्मार्टफोन देखा होगा, लेकिन स्मार्ट बाइक आपने नहीं देखा होगा। पहले आप अपना पूरा नाम बताइए हमारे दर्शकों का। मेरा नाम रिजवान अंसारी है। मोहम्मद रिजवान अंसारी हुआ। थोड़ा सा इस ये जो चाबी है और इसके बारे में कुछ बताइए। ये इसका जो चाबी है ये वायरलेस है, मतलब इसको जेब में रखना है और सब बाइक की तरह इसमें लगाना नहीं है, ठीक ना। इसको बस जेब में रखिएगा आप, और यहाँ पे एक बार ये टच करना है, ठीक ना। अभी ये गाड़ी ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद इसका जो पूरा फंक्शन है वो काम करना के लिए चालू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो ये लाइट है, जरा आगे आइएगा, आगे आइए, आगे से दिखाइए लाइट। इसका जो लाइट है वो ऑटोमेटिक है, मतलब दिन में बंद हो जाती है और रात में चालू। इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, मैनुअल पे है। अब देखिए ये जो लाइट है वो एडजस्टेबल है, ये देखिए ऊपर नीचा पूरा ये एडजस्ट होता है। इस गाड़ी में आगे से कहीं भी आपको चाबी लगाने का ये पॉइंट नहीं दिख रहा होगा, जहां पे चाबी लगाने के बाद गाड़ी को लॉक या अनलॉक किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और समझिए कि ये जो लाइट है, आगे से आइए, आगे से आ जाइए थोड़ा सा। और इस गाड़ी में जो ये लाइट जो देख रहे हैं आप, ये जो लाइट है ये ऑटोमेटिक है, और कहीं ना कहीं ये जो दिन के समय में ये नहीं जलता है और रात के समय में अपने आप जल जाता है। जल जाता है जी। अच्छा, अभी ये अपने आप जल रहा है, इसको अभी आप जलाए हैं जी? अभी मैनुअल पे रखे हुए हैं। अच्छा, मैनुअल पे रखे। अच्छा, इसका जो ये मतलब जो बॉडी है इस गाड़ी का, ये कहाँ से आप? सब ये जो टंकी आप देख रहे हैं ये सब प्लास्टिक का है। ये कल वाला जो पाइप होता है, कल में तो नाला में लगता है, मोटा मोटा 4 इंची का होता है, उसी को मैंने जब उसको आप बीच से काट के गैस पे गर्म करके सीधा कीजिएगा तो ऐसे गोल रहता है, सीधा कीजिएगा तो इतना बड़ा हो जाता है। फिर उसको मैं नाप से इसको काट के पूरा साइज बाय साइज डिजाइन से, फिर उस पे फेविक्विक डाल के मैं इसको ऐसे मोड़ कर गैस पे, और फिर इसको ऐसा बनाया। अच्छा, मतलब समझिए कि कल का जो पाइप होता है उस पाइप से ये पूरा का पूरा मतलब उसी से बनाया गया है। ये जितना भी प्लास्टिक सब दिख रहा है, ये सब वो सब जो भी प्लास्टिक दिख रहा है सब उसी का है, ए टू जेड। अच्छा, मतलब इसको अगर मान लीजिए कि कहीं हम जाते हैं इसको लेकर लगा देते हैं, तो मतलब ऐसा तो नहीं ना कोई लेके भाग जाएगा? इसको लेके भागेगा तो आपको ये बताता रहेगा, वो नहीं बताया लेकिन ये बताएगा। कैसे बताएगा, थोड़ा सा दिखाइए। जैसे इसका चाबी है ये, इसको अगर दूर कर दीजिएगा, जैसे दूर कर दिया अभी, दिखाइएगा ये चाबी है, चाबी को दूर हो गया और ये अभी गाड़ी भी बंद है, अभी देख सकते हैं ये शायद। हाँ, गाड़ी अभी बंद है। हाँ, गाड़ी बंद है अभी। अब इसको आप सीधा कीजिएगा स्टैंड से, जैसे इसको हैंडल पकड़ के ऐसे सीधा कीजिएगा, ये आवाज करने लगेगा जैसा कि देखिए। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं कि मतलब अभी कर रहा है बाद में करना बंद हो जाएगा? नहीं, ये थोड़ी देर तक आवाज करेगा, अभी ये फिर आवाज करेगा। क्यों? स्टैंड जो है इसका वो लगा नहीं है सही से अभी, ये गाड़ी ज्यादा खड़ा है, ये उधर वो बता रहा है कि हम गिर जाएंगे, हम गिर जाएंगे, वही बता रहा है कि हमको सीधा से लगाओ। अभी इसको बढ़िया से कहीं पे लगा देंगे। अच्छा, ये मतलब सीटी एक ही दो बार बजेगा कि सही? अभी स्टैंड सही से लग गया है, गाड़ी सही से है, अब देखिए चुप है, अब हल्ला नहीं कर रहा है। अच्छा, मतलब एक ही बार बजता है कि बार बार बजता ये है? एक बार में 12 बजे बजेगा, मतलब 12 बार बजेगा। आप इसको हिलाइएगा तो फिर 12 बजे बजेगा, मतलब जैसा कि देखिए इसका गाड़ी का जो चाबी अगर आपके पास नहीं है, अगर आप आते हैं गाड़ी के पास, गाड़ी को बस ऐसे उठा करके आप ऐसे सीधा कीजिएगा। देखिए ये साउंड आना, यहाँ से साउंड आना ये शुरू हो गया, और ये एक बार, दो बार, तीन बार नहीं बल्कि 12 बार ये साउंड आएगा, ताकि अगर आप समझिए कि 100 मीटर दूरी के रेंज पे भी अगर आप रहेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी के पास कोई है। अब कोई हॉर्न बजाएगा तो ऐसे तो बहुत हॉर्न बजता है, अब कहीं दूर रहिएगा तब क्या पता चलेगा कि कौन हॉर्न मार रहा है, अब मेरा गाड़ी है कोई और गाड़ी है, इसलिए मैंने उसमें 12 बार लगाया, मतलब कोई हिलाया तो ये लगातार बजता रहेगा जिससे आपको पता चले कि मेरा ही गाड़ी आवाज कर रहा है। इसका जो सीट है ये आपको लग रहा होगा कहीं से ला के लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये सीट हम खोजने गया तो बुलेट का इतना बड़ा मिल रहा था, छोरा सा गाड़ी वेब सेट नहीं खड़ा था। फिर मैं गया लकड़ी वाले की दुकान पे, फिर पलाई लाया, उसको आरी ब्लेड से काट के डिजाइन दिया मैं, फिर इस लकड़ी को लेके गया सीट वाले के यहाँ कि इस पे आप गद्दा उद्दा बैठा दो, नहीं तो हमको दे दो, हम बैठा देंगे। अच्छा, तो मतलब लकड़ी काट के ऊपर से गद्दा बैठा हुए थे। ये भी सीट भी जो है वो भी मैं घर पे ही बनाया पूरा। अच्छा, घर पे ही। अच्छा, ये बाइक जो है ये चार्ज कैसे होता है? ये यहाँ पे है इसका, एक बार दिखाइए, दिखाइए, देखिए बस इतना ही खुलता है, इससे ज्यादा नहीं, बस इतना ही। पानी से बचाने के लिए यहाँ से पानी से बचाने के लिए दिखा सकते हैं। इसके नीचे जो है चार्जर का जो प्लग होता है वो लगाने का यहाँ पे लगाया गया है। अच्छा, ये दोनों क्या है? ये क्या है इसमें जो है ये ऑन होने के बाद, अब देखिए चाबी किसके पास है? देखिए अभी चाबी नहीं ना है तो यहाँ पास ले जरा सा, ये देखिए अभी ये देखिए यहाँ पे आ गया होगा दो आई, मतलब आंख है, ठीक ना। उसके जब गाड़ी ऑन कर दीजिएगा यहाँ पे स्माइल आ गया, अब स्माइल आ गया ना, ब्लू कलर का स्माइल आएगा। अब बंद कर दीजिएगा तो ये दोनों चला जाएगा। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये पल्स 1-2 सेकंड, ये 5 सेकंड पे, 10 सेकंड पे ये पल्स मारता रहेगा, देखिएगा थोड़ी देर से, 1 सेकंड रुकिए, 1 मिनट, देखिए देखिए ये वो पल्स आया ना अभी,
वो हमेशा जब तक वो उसका पल्स है समझिए वो गाड़ी जिंदा है। मतलब मनुष्य के शरीर का पल्स जब तक चलता रहता है मनुष्य जिंदा रहता है। हाँ हाँ अच्छा। वो धड़कन है मतलब ये जब तक इसका पल्स चलेगा तब तक ये गाड़ी जिंदा है। जिंदा है। और ये रुक गया तो वो रुक गया मतलब गाड़ी कुछ ना कुछ गड़बड़ आ गई है गाड़ी में। मतलब समझिए कि अगर रुक जाने के बाद आपको पता चल जाएगी गाड़ी में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अब ये क्या है जैसे जैसे इसका जो मतलब पावर कमता जाएगा या फिर कुछ फॉल्ट आने वाला होगा तो इसका जो स्पीड धीरे धीरे स्लो होता जाता है। अगर फॉल्ट आ गया तो सीधा जलता रहेगा बंद हो जाएगा पूरा। अच्छा जलना मतलब बंद हो जाएगा नहीं चल पाएगा तो जान जाते हैं कुछ गड़बड़ आया। अच्छा ये गाड़ी लेकर के आप कहीं कहीं जाते भी हैं? पढ़ने जाते हैं। पढ़ने जाते हैं जाने के बाद वहाँ पे आपके कोचिंग में बच्चे अभिभावक या टीचर के द्वारा क्या कुछ? हाँ सर भी लेके गए तो पहले तो सर देखे तो कुछ देर तक ताकते रहे यार कहाँ से लाया गाड़ी कौन लाया गाड़ी। तो मेरे दोस्त लोग ने बताया कि सर ये खुद से बनाया है। तो हम नहीं मानते खुद से बनाया। फिर उनको फोटो दिखाए तब जाके मतलब आपके सर भी नहीं मान रहे थे कि मतलब खुद से बनाया है। बोलते हैं कि ऐसा हम देखने में तो नहीं लग रहा है तू देखने से नहीं जाते हैं। फिर बोले कि लाओ हम चढ़ेंगे मतलब देखे में छोट मोट घाव करे गंभीर। हाँ हाँ वही वही वाला बात हो गया। तो फिर वो बाइक लिए और फिर लेकर चलाए बोले बहुत मजा आ रहा है चला के तेरा बाइक मुझे दे दे। अच्छा मतलब सर भी गाड़ी चलाए? सर भी गाड़ी चला बहुत दूर तक चलाए थे। गाड़ी चलाने के बाद बोले कि बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। अच्छा। कैसे बनाया तू हमको भी एक बना दो। एक बार ताली बजा दीजिए सब आदमी जोर से इसके लिए। इतना अच्छा काम किया आप लोग गांव के लोग है। अच्छा इधर आ जाइए थोड़ा सा इस गाड़ी को चारों तरफ से दिखाइए और कहीं ना कहीं समझिए कि ये जो यहाँ पे जो है इस गाड़ी का आंख बोल सकते हैं और ये जो पल्स है यानी कि पल्स नस जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में आपके शरीर के अंदर जो नस होता है समझिए कि नस के नली जब तक चलती रहती है मनुष्य जीवित रहता है। इसका भी वैसे ही ये नस जब तक चलता रहेगा ये गाड़ी जीवित है। जिस दिन ये रुक गया ये गाड़ी भी रुक जाएगा। अच्छा एक बार चार्ज होने के बाद कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। 25 से 30 किलोमीटर से ज्यादा हम लेकर नहीं चला सकते। नहीं नहीं अगर बैटरी बढ़ाए तो और 50 किलोमीटर जा सकते। अच्छा इसमें आप कौन सा बैटरी लगाए हुए हैं? लिथियम बैटरी लगाए हुए इसमें। लिथियम बैटरी लगाए क्योंकि और जो कार्स में बैटरी होता है बहुत भारी होता है। अच्छा बैठिए नहीं चाहिए। शॉकर के बारे में बताइए ये कहाँ से लाके लगाए? शॉकर ये जो दिखाइए ये भी कबाड़ी से कबाड़ से लाए हैं। ये कबार से और ये सब जितना जो ये सब वायरिंग का पाइप आप जाली देख रहे हैं ये सब जो निमत खाना होता है खाना रखने का जो जगह होता है उसमें ये लगता था वहीं से लाके दुकान से और ये मैंने लगाया। ये देख सकते हैं ये जितने भी इसमें सामान जो लगे हुए हैं इस बाइक के अंदर वो तमाम जितने भी सारी सामान है वो कबाड़ से लाई गई है। जी ये सब भी कबाड़ से। ये मोटर कार देख रहे हैं ये भी पाइप का। अच्छा ये जो क्या ये जो चैन है टाइमिंग चैन है इतना पतला चैन है इससे कोई दिक्कत टूटता उठता तो नहीं? जिस जैसा इसका वजन है वैसा वो चैन सही है। मतलब गाड़ी के वजन के अनुसार वो ठीक है सही एकदम। अच्छा इस पे एक आदमी से ज्यादा आदमी नहीं बैठ सकते? सिंगल सीट है। वैशाली के गुरु चौक पे मतलब हम लोग हैं यहाँ पे और यहीं के मोहम्मद रिजवान जो अभी सामने से दिख रहे होंगे फ्रेम में आपको गाड़ी लेकर के वो आ रहे हैं और समझिए कि कहीं ना कहीं देहाती जुगाड़ से स्मार्ट बाइक बना दिया गया जो काफी अच्छी मतलब यहाँ तमाम जो गांव के लोग हैं वो भी इसके काम का सराहना कर रहे हैं। और ये मैट्रिक में पढ़ने वाला छात्र है और मैट्रिक के पढ़ाई के साथ साथ मैट्रिक भी इतने अच्छे मार्क्स ला करके मैट्रिक भी पास किया उसके बाद इतना बढ़िया गाड़ी भी बना दिया। और कहीं ना कहीं तमाम जो हमारे लोग थे जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे और वीडियो देखने के वाले दर्शकों से एक बात और बताना चाहेंगे ये देख सकते हैं ये मेरा बाइक का नाम जेट प्लस। इस बाइक का नाम है जो जेट प्लस सिक्योरिटी बड़े बड़े नेताओं को मंत्रियों को फिल्म स्टार को या और भी जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं उनको जेड प्लस वाई प्लस सिक्योरिटी मिलता है। जेड प्लस रखने का नाम इसका मतलब क्या है? ये जेड प्लस इसीलिए रखा था क्योंकि मुझे नाम चाहिए था छोटा सा। अब गाड़ी बना देते बिना नाम का अच्छा नहीं लगता तो नाम चाहिए था और कोई नाम भी नहीं मिल रहा था। तो एक दिन जेड प्लस नाम कहाँ से मिला? ये मिला कि जब मैं 10th में था जब पढ़ाई कर रहा था तब सर बताया मेरे अंकल पढ़ाते थे यही दूरा पे तो वही बताए। देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट आप देख सकते हैं जेड प्लस। जब रात होती है लाइट जलाइएगा तो ये सब पूरा रेड हो जाती है। अच्छा रात के समय में ऑटोमेटिक रेड पूरा रेड हो जाता है? हाँ मतलब इसके अंदर लाइट लगा हुआ है कि रात में पूरा अजब सा ही लुक आता है इसका। ये हुनर तो है मेरे पास टैलेंट है बस सहायता की जरूरत है। अगर सहायता मिलता है तो बिहार का नाम देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। जैसा कि देखिए इसमें अभी नया नया मैंने फीचर डाला ठीक ना नया लुक डाला। अब ये देखिए लुक है आगे का ये सब है ये सब किसी से मिलना भी नहीं चाहिए समझ रहे हैं ना। मतलब कॉपी नहीं होना चाहिए किसी बाइक का नहीं तो बोलेगा कि मेरा कॉपी है। वो 1.5 लाख का बाइक खरीद के चढ़ नहीं पाते वो 25 से 30 हजार में आराम से बाइक लेकर चढ़ पाएंगे। क्या भाई? हाँ भाई क्या नाम हुआ? रंजीत पासवान। रंजीत पासवान सहूलियत होगा ना जी 30-35 हजार का गाड़ी मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा आपके गांव का बच्चा ही गाड़ी बनाया मतलब क्या आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आप लोग काफी खुश हैं? बहुत खुश हैं। बाकी तमाम जो लोग हैं वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने मन में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।